अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिपार्टमेंटलाइजेशन की एक्सरसाइज नंबर 10-13 अटेम्प्ट करनी है, राइट? तो जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल अपोर्शन मेथड और दूसरा होता है रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट मेथड। तो इससे प्रीवियस जो हमने 9, 10, 11 और 12 चार क्वेश्चन किए वो नॉन रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट के थे। अब 13, 14, 15 एंड 16 ये चार क्वेश्चन रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट मेथड के हैं। तो अब रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट मेथड के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि क्या होता है कि सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में जाके सर्विस डिपार्टमेंट जो से हैं अपने एक्सपेंसेस जब प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रोडक्शन के साथ साथ वो एक दूसरे को भी अपने एक्सपेंसेस का चार्ज देते हैं। तो जब सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ एक दूसरे को भी अपने एक्सपेंसेस दें तो वो फिर हमारा कौन सा मेथड बन जाता है? रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट मेथड बन जाता है। तो अब इसके हवाले से 13th क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। देखें, कह रहा है ये अलीम इंडस्ट्रीज़ के नाम से कोई कंपनी है, इसके ना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं ए और बी और दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं एक्स और वाई। अब कह रहा है ये आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट ये पड़े हुए हैं, मीन्स डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट भी हो चुकी हुई है, प्राइमरी अपोर्शनमेंट भी सॉल्व कर चुके हुए हैं, उनके बाद के एक्सपेंसेस आपको दिए हैं। इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी है, ठीक है ना? डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट भी हो चुकी है और प्राइमरी अपोर्शनमेंट भी हो चुकी है, आपने सिर्फ सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करनी है। आप कह रहे हैं एक एक्सपेंस है आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट 1200, बी के हैं 1400, एक्स के हैं 400 और वाई के हैं 200। अब नीचे इन्फॉर्म कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर सर्विसेज इन फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब वो जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना एक्स और वाई, वो कह रहा है अपने एक्सपेंसेस को इन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट एक्स क्या करता है, वो अपने एक्सपेंसेस का 10% ए को देता है, 40% बी को देता है और 50% वाई को देता है। इसी तरह जब आप सर्विस डिपार्टमेंट वाई को क्लोज करते हैं तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 80% देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को 10% देता है और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को 10% देता है। तो मींस जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई हैं वो प्रोडक्शन के साथ साथ एक दूसरे को भी अपने एक्सपेंसेस दे रहे हैं, इसलिए ये रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट मेथड हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल को अटेम्प्ट करने के कितने मेथड हैं? दो। एक होता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा होता है एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो वो क्वेश्चन में क्लियरली आपको बताएगा कि आपने इसको किस मेथड से करना है। तो इस वक्त देखिए रिक्वायरमेंट ए में वो कह रहा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करें और दूसरे में वो कह रहा है एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करें, राइट? तो वन बाई वन अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो लें बेटे, पहले आते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरफ। तो फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट को बनाने का क्राइटेरिया वही है, आप थ्री लाइंस यूज करेंगे ऊपर इन्फॉर्म करने के लिए। पहली में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, अलीम इंडस्ट्रीज। सेकंड में लिखेंगे आप फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट और थर्ड लाइन में लिखेंगे आप फॉर द ईयर एंडेड 31st December, जो भी दिया हुआ है। राइट साइड से आप स्टार्ट लेंगे, पहले बनेंगे आपके सर्विस डिपार्टमेंट, दो थे एक्स और वाई। फिर लेंगे आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो थे ए और बी। फिर टोटल का कॉलम और फिर बनता है हमारे पास बेस ऑफ अपोर्शनमेंट। तो बेस ऑफ अपोर्शनमेंट का कॉलम हम तब बनाएंगे जब हमें प्राइमरी अपोर्शनमेंट करनी होगी। तो वो चूंकि हो चुकी है इसलिए बेस ऑफ अपोर्शनमेंट का कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस फिर पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, ठीक है? अब स्टार्ट लेते हैं। तो जब हम फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाते हैं तो हमने कहा जी उसके तीन सेक्शन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट और दूसरा होता है प्राइमरी अपोर्शनमेंट और फिर तीसरा आता है सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो वन बाई वन अब हम तीनों को लेंगे। तो अब देखें, उसने क्लियर क्वेश्चन में कहा कि ये जितने भी ए बी एक्स और वाई के एक्सपेंस हैं ये आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट है, मीन्स इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट डिपार्टमेंटल कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं है और प्राइमरी अपोर्शनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा आप लिखेंगे बेटे ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट, ठीक? प्रोडक्शन ए के 1200 बताए उसने, प्रोडक्शन बी के उसने 1400 बताए, सर्विस एक्स के उसने 400 बताए और सर्विस वाई के उसने 200 बताए, ठीक है ना? ये हम लोगों ने यहां पे नोट डाउन कर लिए, ठीक हो गई बात। अब इन चारों को
200 + 400 + 1400 + 1200 इनको एड अप करें तो इनका सम आ गया 3200। तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस जो से हैं वो लिख दिए गए आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट। अब हम आते हैं अपने सेकंड थर्ड पोर्शन सेक्शन की तरफ, विच इज सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। अब इस सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में हमने क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन वालों को दे के क्लोज करना है। तो अब चूंकि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट मेथड हो गया, जिसके दो फर्दर कैटेगरीज हैं, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एल्जेब्रिक। तो इस वक्त हम इसको किससे कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट वन के मुताबिक वो कह रहा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करें, राइट। तो अब आप यहां लिखेंगे बेटे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के एक्सपेंस कितने हैं, ये 400, इसको आपने यहां लिखा विद इन ब्रैकेट 400, ठीक होगी बात बेटे। अब हमने क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में, उसने बताया हुआ है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक्स क्या करेगा, अपने इस एक्सपेंस का 10% ए को देगा। तो 400 का 10% लें तो 40 ए को चला गया, फिर 400 का 40% बी को जाएगा, तो ये 160 बी को चला गया, फिर इसी 400 का कितने परसेंट, 50% वाई को चला जाएगा, तो 400 का 50% वाई को चला गया, तो ये 200 हो गया। तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स निल हो गया, 400 पॉजिटिव, 400 नेगेटिव, जीरो हो गया, खत्म हो गया। अब हमने क्लोज करना है अपने सर्विस डिपार्टमेंट वाई को, तो यहां आप लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट वाई। अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई के एक्सपेंस कितने हैं, ये देखें इधर आइएगा, 200 उसके अपने थे, लेकिन जब एक्स क्लोज हुआ तो 200 उसने भी दिए, तो 200 पॉजिटिव, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया वाई का, 400। तो अब हम वाई के एक्सपेंसेस को 400 को क्लोज करेंगे, तो 400 को यहां विद इन ब्रैकेट लिखा। अब इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वाई अपने एक्सपेंसेस का 80% ए को देता है, 320 रुपीज, वाई अपने 400 के एक्सपेंसेस का 10% 40 रुपीज बी को दे देगा, फिर इसी 400 का 10% उसने एक्स को दिया 40 रुपीज। अब जब आपने वाई को क्लोज हुआ किया तो वाई तो क्लोज हो गया, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उसको 40 रुपीज दोबारा मिल गए वाई के क्लोज होने की वजह से। तो हमने तो ये कहा हुआ है कि हमने सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना होता है, तो अब जब आपने एक्स को क्लोज किया था उस वक्त तो एक्स जीरो हो गया, लेकिन जैसे ही आपने वाई को क्लोज किया एक्स को दोबारा एक्सपेंस मिल गए, तो इसका मतलब है हमें एक्स के ये 40 रुपीज दोबारा क्लोज करने पड़ेंगे। तो इसी चीज को कहा जाता है बेटे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक के ये जीरो ना हो जाए। तो अब हम यहां दोबारा लिखेंगे बेटे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के कितने एक्सपेंस है, ये 40 रुपीज, इसको यहां पे हमने विद इन ब्रैकेट दोबारा लिखा, विद इन ब्रैकेट मीन ये यहां से माइनस हो रहे हैं। आप माइनस होके कहाँ जा रहे हैं, इसका 10% ए को जा रहा है 4 रुपीज, इस 40 का 40% 16 रुपीज बी को चला गया, और फिर इस 40 का कितने परसेंट, 50% 20 रुपये ये वाई को चला गया। तो अब देखें आपने जब एक्स को क्लोज किया तो वाई को फिर 20 रुपये मिल गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाई के ये 20 रुपये फिर क्लोज करने पड़ेंगे। तो अब आप यहाँ दोबारा लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट वाई, राइट। अब क्या करेंगे, वाई के 20 रुपीज के एक्सपेंस को, ये वाले जो एक्सपेंस हैं इनको यहाँ विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट मीन्स ये यहाँ से माइनस हो रहे हैं, माइनस होके कहाँ जा रहे हैं, इसका 80% लें तो 16 रुपीज ये ए को चला गया, इसका 10% लें 20 का तो 2 रुपीज बी को चला गया, फिर इसी 20 का 10% लें तो 2 रुपीज एक्स को आ गया। तो सर्विस डिपार्टमेंट वाई आपका हो गया क्लोज। अब जब आपने वाई को क्लोज किया तो एक्स को फिर 2 रुपये मिल गए। अब y के ये 2x के 2 रुपीज हमें फिर क्लोज करने पड़ेंगे। तो अब इसको यहाँ पे फिर लिखेंगे बेटे सर्विस डिपार्टमेंट x। तो यहाँ 2 रुपीज को हम विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, तो विद इन ब्रैकेट मीन्स ये अगेन यहाँ से माइनस हो रहे हैं। अब इसका 10% लें तो ये बनता है 0.2, तो 0.2 0.5 से कम है, इसलिए ये जीरो ही हो गया, a को जीरो हो गया। फिर इस 2 का आप 40% लें तो ये बनता है 0.8, तो 0.8 1 रुपये बन गया, तो 1 रुपये आ गया b को। फिर इसी 2 का जब आप 50% लेंगे तो ये y को चला गया, ये आ गया 1 रुपया। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट x हो गया क्लोज। तो जब आपने x को क्लोज किया तो y को 1 रुपया फिर मिल गया। अब y का ये 1 रुपया आप फिर क्लोज करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहां दोबारा लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट y। अब 1 रुपये को विद इन ब्रैकेट लिखा। अब y क्या करेगा, अपने एक्सपेंसिस का 80% 0.8 बनता है 1 रुपया, ये उसने a को दे दिया। 0.8 बनता है तो राउंड करके ये 1 रुपया हो गया, इधर आ गया, ठीक है। अब 10% 0.1 बनता है, वो उसने B को देना था तो 0.1 जीरो हो गया, और X को भी उसने 0.1 देना था तो वो भी जीरो हो गया। तो इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट Y भी अब जीरो हो गया, ठीक है, और X को दोबारा कुछ मिला ही नहीं है। तो अब Y और X दोनों ही जीरो हो गए, तो
तो अब उस वक्त तक हमने ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक सर्विस डिपार्टमेंट जीरो नहीं हो जाते हैं। तो अब जीरो हो गए हैं, इसलिए अब हम इसको कर देंगे क्लोज। अब वाई और एक्स का सम अप करें तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, निल है, ठीक है। अब बी को ऐड अप करें 1400 से लेके ये जीरो तक, तो ये आ गया 1696। इसी तरह ए को ऐड करें 1200 से लेके 1 रुपी तक, तो ये आ जाएगा 1581। और 3200 को जीरो तक ऐड करें तो ये 3200 हो गया। तो अब 3200 वर्टिकल टोटल भी यही है, और हॉरिजॉन्टल ये 1581 और 1619 को ऐड करें तो ये भी 3200 ही बनेगा। तो ये था बेटे हमारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो अब उसने हमसे कहा है जी कि आपने इसको सिर्फ रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से नहीं करना है, अब रिक्वायरमेंट बी में कह रहा है कि आप इसको एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करें। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे होगा। तो अगेन हम लोग पार्ट टू की तरफ आते हैं, तो दोबारा से यही फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट आप ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे वही नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलीम इंडस्ट्रीज, सेकंड लाइन में फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर जो भी दिया हुआ है। सर्विस डिपार्टमेंट राइट साइड पे आगे एक्स और वाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे ए और बी, और टोटल का कॉलम आ गया। अब चूंकि सिर्फ सेकेंडरी अपोर्शनमेंट होनी है इसलिए हमें बेस ऑफ अपोर्शनमेंट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा स्पेस हमारा पर्टिकुलर्स के लिए बच गया। आप अगेन यहाँ लिखेंगे ओवरहेड आफ्टर प्राइमरी अपोर्शनमेंट, तो कितने हैं वही 1200, 1400, 400 और 200। इन चारों को ऐड करें तो सम आ गया टोटल के कॉलम में 3200। अब यहां से आगे स्टार्ट करनी है बेटे हम लोगों ने अपनी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में हम लोगों ने क्या करना है, अब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई दोनों के एक्सपेंसेस को क्लोज करना है, ठीक है। तो अब चूंकि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो अब इसको हमने यहां पे पहले रिपीटेड से किया था, तो अब वो कह रहा है एल्जेब्रिक से करें। तो रिपीटेड में अब क्या होता है, एक को क्लोज किया तो दूसरे को मिल गया, दूसरे को क्लोज किया तो पहले को मिल गया, पहले को क्लोज किया तो दूसरे को मिल गया। कहते हैं यार ये आप क्या खेल खेल रहे हो कि एक को क्लोज किया तो दूसरे को मिल गया, दूसरे को क्लोज किया तो पहले को मिल गया। एक ही दफा आप वो कॉस्ट फाइंड करें जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट लिख के अब हम अगले पेज पे जाते हैं, देखते हैं कि जी अपोर्शनमेंट होगी कैसे। तो नहीं बेटे, अब देखें जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है उसकी अपनी कॉस्ट कितनी थी, 400, ठीक है ना, वो तो उसकी अपनी है ना, तो वाई ने भी तो उसे कुछ देना है ना। तो एक्स की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, उसकी अपनी कॉस्ट 400 रुपीज प्लस जितना उसे वाई से मिलेगा। इसी तरह वाई की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, उसकी अपनी कॉस्ट थी 200 और प्लस जितना उसे एक्स से मिलेगा। तो वाई की टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी, उसकी अपनी कॉस्ट प्लस जितना पोर्शन उसे एक्स से मिलेगा। तो अब इनको इक्वेशन के जरिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो नहीं बेटे, ये देखिएगा ये इक्वेशंस बन रही हैं अब हम लोगों के पास। यहां पहले हमने कहा लेट टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स इज एक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाई इज वाई, कि एक्स की टोटल कॉस्ट एक्स है, वाई की टोटल कॉस्ट वाई है। तो अब देखते हैं कि एक्स की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। तो देखें एक्स की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, उसकी अपनी कॉस्ट 400 प्लस जितना उसे वाई से मिलना है। तो अब आप देखें सर्विस डिपार्टमेंट, क्वेश्चन में देखें सर्विस डिपार्टमेंट वाई कितना दे रहा है, अपने एक्सपेंसिस का 10% उसे दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एक्स की अपनी कॉस्ट 400 प्लस वाई से कितना मिल रहा है उसे 10%। तो अब देखें ये जो 10% है इसको लिखने के हमारे पास तीन तरीकाकार हैं। 10% को हम 10% भी लिखते हैं, इसको हम 10/100 भी करते हैं, और 10/100 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0.1 बनता है। तो इन तीनों में से कोई भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ये 0.1 वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर इसका क्या मतलब है कि ये जो x की टोटल कॉस्ट है ये कैसे आएगी, 400 उसकी अपनी कॉस्ट प्लस 10% ऑफ y। तो 10% ऑफ y का क्या मतलब है, 0.1 ऑफ y, तो ये 0.1 y हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब इसी तरह y की टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, y इज इक्वल्स टू उसकी अपनी कॉस्ट 200 प्लस जितना उसे x से मिलेगा। तो अब आप देखें क्वेश्चन में सर्विस डिपार्टमेंट x क्या कर रहा है, अपने एक्सपेंस का 50% y को दे रहा है, ठीक है ना। तो अब आप यहां लिखेंगे 50% का क्या मतलब है, 0.5x, तो ये नहीं 0.5x, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब 1/1 इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम अपनी x की और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखें ये जो देखें y की वैल्यू है ये 200 प्लस 0.5x, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में y की जगह यहाँ पे पुट कर दें तो y इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5y इन इक्वेशन 1। तो लें जी इक्वेशन 1 थी हमारी x इज इक्वल्स टू 400 प्लस 0.1। अब 0.1 के बाद क्या लिखा हुआ है हमने, y। अब y की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें ब्रैकेट्स में 200 प्लस 0.5x।
अब आप इसको सॉल्व कर लें, एक्स इजिकल्स टू 400 प्लस 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो गया, और 0.1 को 0.5x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.505x। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो x इजिकल्स टू 420 हो जाएगा ये दोनों मिलके, और ये 0.5x हो जाएगा। अब ये जो 0.505x है ये इक्वल के इस साइड पे ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे ले जाके हम इसको माइनस कर देंगे, तो x माइनस 0.05x इजिकल्स टू 420। अब x का मतलब है 1x, तो अब 1 में से 0.05 माइनस करें तो बाकी कितना बचेगा, 0.95x इजिकल्स टू 420। अब हमें तो वैल्यू चाहिए x की, तो क्या करेंगे, 0.5x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 442। ठीक है, तो x के टोटल 442 रुपीज़ के एक्सपेंस हम क्लोज करेंगे, ये विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है 442, अगर हम इसको इक्वेशन 2 में x की जगह यहाँ पुट कर दें तो x इलिमिनेट हो जाएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ दोबारा लिखें, अगेन पुटिंग x इजिकल्स टू 442 इन इक्वेशन 2, तो अब इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, y इजिकल्स टू 200 प्लस 0.5x। ठीक है, आप सॉल्व कर लें, y इजिकल्स टू 200 प्लस 0.5x की जगह उसकी वैल्यू ये जो अभी आपने फाइंड किया 442 पुट करें, तो अब 0.5 को 442 से मल्टीप्लाई करें तो ये 221 आ गया, तो 200 प्लस 221 तो ये हो गया 441, तो y की ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट x के हम 442 के एक्सपेंस क्लोज करेंगे और सर्विस डिपार्टमेंट y के हम 421 के एक्सपेंस क्लोज करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम वापस चलते हैं बेटे अपनी शीट के अंदर, तो ये रही हमारी शीट, तो यहाँ पे अब आ जाएं जी, ये देखिएगा सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करते हैं अब हम लोग अपनी, ये तो यहाँ लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट x। अब देखें सर्विस डिपार्टमेंट x के एक्सपेंस मैंने यहाँ पे 400 लिखे हैं, तो यहाँ विद इन ब्रैकेट 400 लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम इसको अब एल्जेब्रिक से कर रहे हैं तो एल्जेब्रिक की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया कि x के टोटल जो एक्सपेंस होंगे वो 400 नहीं होंगे, वो 442 होंगे। तो मैं क्या करूँगा, x के 442 रुपीज़ के एक्सपेंस क्लोज करूँगा, तो अब क्या करूँगा, 442 इसका 10% 44.2 बनता है, तो राउंड करके 44 यहां आ गया, ए को चला गया। इसी तरह 442 का जब मैं 40% लूंगा तो ये 177 बी को चला गया, और फिर इसी का 442 का जब मैं 50% लूंगा तो वो वाई को चला गया 221, और मेरा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स हो गया खत्म। अब मुझे क्लोज करना है सर्विस डिपार्टमेंट वाई को, तो यहां लिखूंगा सर्विस डिपार्टमेंट वाई। अब देखें मुझे नहीं पता कि इस 200 का और इस 221 का सम कितना बन रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन मैंने फाइंड कर लिया कि वाई के टोटल 421 रुपीज के एक्सपेंस क्लोज होने हैं, तो मैं यहाँ 421 रुपीज विद इन ब्रैकेट लिखूंगा। तो अब अगर आप इन दोनों को भी ऐड करें तो ये 421 ही बनेगा। अब क्या करना है, 421 का 80% लें तो ये 337 ए को चला गया, फिर इस 421 का आप 10% लें तो 42 रुपीज बी को चला गया, फिर इसी तरह 421 का दोबारा 10% लें तो ये एक्स को आ गया 42 रुपीज़, राइट। तो अब सर्विस डिपार्टमेंट वाई तो हो गया क्लोज, लेकिन जब आपने सर्विस डिपार्टमेंट वाई को क्लोज किया तो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स को फिर 42 रुपीज़ मिल गए, ठीक है ना, तो ये दोबारा क्लोज होने चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, क्यों, देखें 400 पॉजिटिव पहले पड़ा हुआ है, 42 का पॉजिटिव मजीद आया है, तो टोटल पॉजिटिव कितना है 442, और बीच में से माइनस कितना हुआ हुआ है, ऑलरेडी 442 जीरो माइनस हुआ हुआ है, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ठीक है ना। तो यही था हमारे पास एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें एक ही अटेम्प्ट में हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करें, y का टोटल जीरो आ जाएगा, x का टोटल भी जीरो आ जाएगा, तो अब आप देखें 1400 प्लस ये वैल्यू, तीनों वैल्यूज ऐड करें तो ये आ गया 1619, a को टोटल करें तो 1581 आ गया, और 3200 का और या इनका सम करें तो ये 3200 ही रहा। अब इन दोनों को चाहे वर्टिकल ऐड करें चाहे हॉरिजॉन्टल ऐड करें, आंसर सेम आएगा। तो अब आप देखें ये हमारा एल्जेब्रिक खत्म हो गया। तो अब आप देखें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और एल्जेब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ये देखें आंसर सेम है, फ़र्क नहीं है उनमें, ठीक है ना। सिर्फ क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट हो रही थी, बार बार आ रही थी चीज़ें, जबकि एल्जेब्रिक में आपने इक्वेशंस बना के एक ही दफ़ा फाइंड कर लिया था। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 10-13 जो कंप्लीट हुआ, राइट।